सभा वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव के पक्ष में 45 मत प्राप्त हुए और प्रस्ताव के विपक्ष में 0 मत प्राप्त हुए। और एक बार मैं पढ़ देता हूं कि प्रस्ताव के पक्ष में 45 यानी 45 मत प्राप्त हुआ और प्रस्ताव के विपक्ष 0 मत प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये सभा वर्तमान मंत्री परिषद में पूर्ण विश्वास प्रकट करती। तो हेमंत सोरेन सरकार ने हासिल किया विश्वास मत। हेमंत सोरेन के पक्ष में 45 वोट पड़े हैं जबकि विरोध में 0, यानी कि हेमंत सोरेन सरकार एक बार फिर से विश्वास मत में पास हो गई है, अग्नि परीक्षा में पास हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के विधानसभा के विशेष सत्र में हेमंत सोरेन की आज अग्नि परीक्षा थी। विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा था, लेकिन उस हंगामे के बीच में विश्वास प्रस्ताव हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से पेश किया गया और हेमंत सरकार के पक्ष में 45 वोट पड़े हैं जबकि विपक्ष में 0, यानी कि एक बार फिर से अब हेमंत सोरेन सरकार झारखंड में। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेमंत सोरेन की सरकार विधानसभा की अग्नि परीक्षा में पास हो गई है। विश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था जिसके पक्ष में 45 वोट पड़े हैं और विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा है। लगातार विपक्ष की तरफ से, बीजेपी विधायकों की तरफ से हेमंत सोरेन सरकार को लेकर आज हंगामा भी किया गया, नारेबाजी भी की गई, विधानसभा के बाहर भी जमकर नारेबाजी की गई। और जब विश्वास प्रस्ताव पेश किया जा रहा था हेमंत सोरेन की तरफ से, उस वक्त भी विपक्ष की तरफ से सदन के अंदर जमकर हंगामा किया गया। महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। तो भारी हंगामे के बीच में हेमंत सोरेन सरकार विधानसभा की अग्नि परीक्षा में भी पास हो गई है। विधानसभा में विश्वास मत पर 45 वोट पक्ष में पड़े हैं हेमंत सरकार के जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, झारखंड के विधानसभा के विशेष सत्र में हेमंत सोरेन सरकार पास हो गई है और हेमंत सरकार के पक्ष में 45 वोट पड़े हैं। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता सूरज हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। सूरज, ये जो प्रस्ताव पेश किया गया हेमंत सरकार की तरफ से, पास इसको पहले ही होना था लेकिन 45 वोट पक्ष में पड़े हैं, 0 वोट इसके विरोध में विश्वास प्रस्ताव के। देखिए बिल्कुल, सोरेन सरकार की जो आज जिस तरह से बहुमत के जो आंकड़े थे, हमने पहले ही बताया था कि 45 से 47 के बीच में वो आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से विधायकों की जो गिनतियां हुई है, जो सत्ता पक्ष में वोट किए हैं, 45 विधायकों का समर्थन है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास, तो सरकार पूरी तरह से पास हो चुकी है। यानी सोरेन सरकार को लेकर, जिस तरह से बहुमत को लेकर जो विशेष सत्र बुलाए गए थे, फिलहाल वो सत्र खत्म हो चुके हैं। अब ये देखिए, विधायकों का जो निकलने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है और अभी जितने भी विधायक हैं वो अब हाउस के बाहर अब नजर आएंगे, क्योंकि जो विशेष सत्र बुलाए गए थे वो सत्र अब खत्म हो चुकी है। और ये सत्र में कयास ये लगाया जा रहा था कि क्या होगा, लेकिन ये तो आंकड़े जो थे सरकार बनाने को लेकर, आंकड़े हेमंत सोरेन के पास पहले से ही थे और उन्हीं आंकड़ों को लेकर आज विशेष सत्र बुलाया गया था। और विशेष सत्र के दौरान आपने देखा कि काफ़ी हंगामे भी हुए थे, उस हंगामे के बीच नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कई तरह के आरोप भी लगाए सोरेन सरकार के ऊपर। लेकिन जो नियमता होती है कि बहुमत पेश करने से पहले
वो मुख्यमंत्री का भाषण होना चाहिए, वो उन्हें अपना बात रखनी चाहिए, लेकिन हाउस में वो बात अपनी नहीं रखे। और जिस तरह से वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद फिर मुख्यमंत्री ने बोलना शुरू किया, तो ये कह सकते हैं कि आज का दिन हेमंत सोरेन के लिए बेहद खास है। बस अब थोड़ी देर के बाद नए मंत्रिमंडल का ही विस्तार होगा, नए सरकार के गठबंधन में। सूरज, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, और इस बार मंत्रिमंडल में क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है? हेमंत सोरेन पूरी देखिए मंत्रिमंडल में बिल्कुल चेहरे वही होंगे, लेकिन एक दो चेहरे बदल सकते हैं। बदल इन द सेंस यानी मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल किया जा सकता है। कहा यह जा रहा है कि अब संख्यक कोटे से इरफान अंसारी का नाम तय माना जा रहा है। इसके अलावा अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से अगर कोई संभावित अगर नाम हो सकती है तो वो बैजनाथ राम का नाम हो सकता है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से अभी फिलहाल किसी तरह कोई चर्चा नहीं है कि उनके भी पार्टी से किसी को शपथ दिलाए जाएंगे, लेकिन कांग्रेस कोटे से इरफान अंसारी का नाम तय माना जा रहा है। विपक्ष की तरफ से लगातार इस दौरान सूरज देखा गया, हंगामा किया गया, तमाम सारे मुद्दों को लेकर विपक्ष की तरफ से घेरने की कोशिश भी की गई। ये सूरज कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, सवाल फिर से रिपीट। सूरज, जिस तरह से लगातार विश्वास मत पेश किया गया हेमंत सोरेन की तरफ से, विपक्ष का रुख साफ दिखाई दिया है। सरकार चलाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से विरोध भी किया जा रहा, जैसा कि आपने भी तस्वीरें दिखाई थी विधानसभा के बाहर भी और अंदर भी, सदन के अंदर लगातार जो बीजेपी के विधायक हैं वो विरोध करते नजर आए। देखिए बिल्कुल विपक्ष सदन के दौरान लगातार वो हंगामा करते नजर आए हैं, और एनसीपी के विधायक हैं, उनसे भी अब बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर का हाउस के अंदर क्या कुछ हुआ है। एनसीपी के जो विधायक है कमलेश सिंह है, कमलेश सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। कमलेश जी, आज कुल 45 वोट पड़े हैं सरकार में, तो क्या लगता है कि जो हाउस चली, कई मुद्दे भी थे, विपक्ष के नेताओं ने मुद्दे भी उठाए हैं, कैसा रहा हाउस? एक बजे आना। देखिए, एक बात आपको हम कहना चाहते हैं, ठीक है हेमंत बाबू विश्वास मत जीत लिए हैं, बधाई हो, लेकिन जनता का विश्वास जीतने का कोशिश कीजिए। राज्य में बालू नहीं है, ब्लॉक में भ्रष्टाचारियों का अड्डा हो गया है, जमीन का रिसर्वे नहीं हो रहा है, जिसमें कितनी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आगे इतना मुद्दा है जो आपके सामने 4.5 साल में हल नहीं हुआ, तो विश्वास जीतने की क्या, जनता का विश्वास आप कभी नहीं जीतिएगा। जिस तरह से विश्वास मत हासिल हुए हैं, नई सरकार का गठन हुआ है, 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर इनकी ताजपोशी हुई, तो लगता है कि बहुत जल्दी में से हेमंत सोरेन नियमता तो अब 2 महीना की बात थी, 2 महीने का बाद चंपई दादा को ही छोड़ देना चाहिए था, शरीफ आदमी थे, और 2 महीना में जनता आपको अगर आपके काम पर अगर भरोसा रखती तो आपको बताती कि क्या रिजल्ट आता है। लेकिन आपको मैं एक बार बता देना चाहता हूं, पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी आने वाले दिनों में। बिल्कुल, ये एनसीपी के विधायक हैं कमलेश सिंह। हालांकि देखिए मुद्दे ऐसे कई हैं, उन्होंने कहा कि जो मुद्दे होने चाहिए उन मुद्दों को नहीं उठाया गया, और सरकार को सिर्फ अपनी सत्ता की लालच है, ललक है, क्योंकि बहुत कम समय बचे हैं असेंबली इलेक्शन को लेकर, और ऐसी स्थिति में सरकार को थोड़ी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। जो इनके आरोप है, चंपई सोरेन सीएम थे, उन्हें रहने दिया जाता क्योंकि 2 महीने के बाद असेंबली इलेक्शन है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन काफी जल्दबाजी में थे। हालांकि देखिए आज जिस तरह से सदन के अंदर में बहुमत हासिल उन्होंने किया है, तो ये कह सकते हैं कि आंकड़े उनके पास पर्याप्त है। पहले से ये कयास लगाई जाती है कि सरकार बनना तय है, और उनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार को लेकर जो आंकड़े थे, उन आंकड़ों को लेकर आपने देखा कि इससे पहले भी विधायक दल की बैठक हुई, जो बात मैं कह रहा था कि चंपई सोरेन को 2 महीने बाद इलेक्शन होने हैं, चंपई सोरेन को हटाया गया, तो कैबिनेट में क्या उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देकर वो भरपाई करने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो पार्टी के तमाम नेता हैं, चंपई सोरेन के पक्ष वाले नेता हैं, उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी ना हो, और अगर नाराजगी होती है तो फिर इसका खामियाजा भी चुनाव में देखने को मिलेगा। देखिए बिल्कुल, हालांकि देखिए बहुत ही
अपमोह की स्थिति बनी हुई थी। आज जिस तरह से चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया उसके बाद कयासों के जो बादल थे लगातार मंडराने लगे हैं, लेकिन जहां तक चंपई सोरेन को कैबिनेट में जगह देने की बात है तो फिलहाल किसी तरह की ऐसी कोई खबरें नहीं आ रही कि सोरेन सरकार में क्या वो कैबिनेट में शामिल होंगे या नहीं होंगे, अभी ये चर्चाएं नहीं है। लेकिन हाँ, पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेवारी दे सकती है, आने वाले असेंबली इलेक्शन है तो ऐसी स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई बड़ी जिम्मेवारी चंपई सोरेन को दिया जा सकता है, कहा जा रहा है कोऑर्डिनेशन कमेटी में उन्हें शामिल किया जाएगा, ऐसे कई तरह के बातें आ रही है, यानी कोई बड़ा ओहदा दिया जाएगा तो अभी ये क्लियर नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी में चंपई सोरेन की कद बढ़ने वाली है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद चंपई सोरेन ही वो चेहरा होंगे जिसे लेकर इंडिया गठबंधन चुनाव में उतरेगी। ठीक है सूरज, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विधानसभा के विशेष सत्र में हेमंत सरकार पास हो गई है, विश्वास मत के पक्ष में 45 वोट पड़े हैं जबकि विपक्ष में 0 वोट पड़े हैं। एक बार फिर से